नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, भगवान शंकर ने स्वयं माँ लक्ष्मी को धन के देवी बनाए हैं और कुबेर महाराज को धन का देवता बनाए हैं। तो स्वयं शंकर महाराज भी निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति धनवान बने, कौन व्यक्ति निर्धन बने। अगर आप भगवान शंकर जी को अपने पूजा पाठ से प्रसन्न कर लेते हैं, अपने आराधना से प्रसन्न कर लेते हैं, तो फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने ही निर्णय किया है कि कौन आदमी क्या बनेंगे। क्योंकि स्वयं शंकर भगवान की कृपा के कारण ही माँ लक्ष्मी धन की देवी बनी है और कुबेर जी महाराज धन के देव कहलाए हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो भगवान शंकर को कौन से ऐसे फल है, कौन से ऐसी चीज है जिसे चढ़ाना चाहिए, जिसे जल्द से जल्द भगवान शंकर खुश हो और हमारे गरीबी को, हमारे निर्धनता को मिटाए, इसके बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक जो फल होता है मित्रों, जिसका नाम होता है शिवलिंगी। जी हाँ, शिवलिंगी का जो फल होता है, इससे भगवान शंकर जी एक फल से ही खुश हो जाते हैं। और ये चढ़ाने से क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी बताना चाहूंगा। तो इस फल के अंदर में जो शिवलिंगी का फल होता है, भगवान शंकर जी को आपको शनिवार के दिन समर्पित करना है, सोमवार के दिन समर्पित करना है, किसी भी आपको दिन मिले तो उसमें आप जो समर्पित कर सकते हैं। अभी सावन के पर्व चल रहे हैं, तो इसके फल के अंदर में जो शिवलिंगी का फल होता है, इसके फल के अंदर में इसके जो बीज होता है शिवलिंगी का, ये भगवान शंकर जी के शिवलिंग के आकार का बना होता है, इसलिए इसे शिवलिंगी कहा जाता है। और शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि 1000 बेल पत्र की तुलना इसके एक फल से की जाती है। अगर आप इसके केवल एक ही फल या जोड़ा फल भगवान शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो हर मुरादे पूरी करेगी। और इसके फल को तोड़ करके देखना, इसके फल शिवलिंग के आकार का बना होता है। तो हर इच्छा पूरी करने के लिए, धन वैभव प्राप्त करने के लिए, अपनी गरीबी मिटाने के लिए शिवलिंगी का फल सावन के महीने में 2 शिवलिंगी का पका हुआ फल भगवान शंकर जी को अवश्य समर्पित करें। इससे भगवान तत्काल खुश हो जाते हैं और आपके हर प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं सफेद कनेर का फूल। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति सफेद कनेर के फूल का माला बना करके भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर महाराज स्वयं उनके हर मुरादे को पूर्ण करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं सफेद आंख की पत्ते। जी हाँ मित्रों, बहुत ही जगहों पर सफेद आंख की पत्ते का माला बना करके भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो आप भी अपनी निर्धनता समाप्त करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, अपने रोग को मिटाने के लिए, कर्जे की भार उतारने के लिए 11 की मात्रा में सफेद आंख की जो पत्ते हैं 11 की मात्रा में ले लीजिए और इसे माला बना लीजिए। फिर 11 की संख्या में आपको भगवान शंकर जी को चढ़ाना है। हर मुरादे पूरे करेगी। धन चाहिए तो धन मिल जाएंगे, दौलत चाहिए तो दौलत मिल जाएंगे, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जिस भी चीज की आप कामना करते हैं, जो कि आप उनके लायक हैं, तो भगवान बिल्कुल ही आपको प्रदान करेंगे। और एक और बात आप सभी दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, एक मंत्र है, मंत्र नोट कर लीजिए, ओम उमा महेश्वराय नमः। ये माँ पार्वती और भगवान शंकर जी, ये दोनों का अर्धनारीश्वर मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव तत्काल दिखाता है। तो ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करके अगर आंख की जड़ पर दूध डाला जाए तो हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होता है सावन के महीने में। तो ये भी उपाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में बताए गए छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने 4 उपाय बताए हैं। 4 उपाय में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे उपाय कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय।